वीडियो में हम बात करेंगे बाबिल व असूरी तिब मीन्स बेबिलोनियन एंड असीरियन मेडिसिन और उनका तारुफ, बाबिल व असूरी तिब के बुनियादी नज़रियात, बाबिल के अतिब्बा, बाबिल में तरीक़ाए तशखीस, बाबिल तिब में तरीक़ाए इलाज एंड शहंशाह हामुराबी के बारे में तारुफ। साउथ वेस्ट एशिया में एक जगह मेसोपोटामिया में दो नहरें मीन्स रिवर्स यूफ्रेटस एंड टिग्रस मीन्स दजला एंड फरात के बीच में एक फर्टाइल लैंड था जहां पे 4000 BC में सुमेर नाम की कौम आबाद थी। फिर वो 2000 BC में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, नॉर्थ वाला पार्ट असूरिया कहलाया एंड साउथ वाला पार्ट बाबिल। बाबिल व असूरी तिब के बुनियादी नज़रियात, नज़रियात सेहत व मर्ज। यहाँ पर सेहत व मर्ज को देवी देवताओं से मंसूब किया जाता था। जैसे अगर कोई शख्स बीमार है तो ये समझा जाता था कि इसने कोई गुनाह किया है, इसलिए देवी देवता इससे नाराज़ हैं और ये मर्ज में मुब्तला हो गया। लेकिन अगर उसने गुनाह नहीं किया होता था फिर भी वो मर्ज में मुब्तला है तो समझा जाता था ये किसी शैतान का काम है। वहाँ पर बहुत सारे शैतान के नाम भी थे जिसको याद करने की ट्रिक है प्रैन, P-R-A-3-N-N। पी से हम याद कर सकते हैं पाजाजू जो डेडली अमराज कॉज करता था, आर से राबिसू जो जिल के अमराज कॉज करता था, एंड ए की पावर थ्री मतलब ए से तीन शैतान हैं, एक है अशाकू जो बुखार कॉज करता था, एक है अटाकू जो गर्दन के मर्ज कॉज करता था, एंड अलू जो हड्डी के मर्ज कॉज करता था, एंड लास्ट है एन मीन्स नामतरू जो प्लेग को कॉज करता था। यहाँ पर बहुत सारे देवता भी थे जैसे या सेकेंड मृदक जो बहुत ही अजीम था, और आरएक्स जो आज भी शिफा के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसी देवता से मंसूब है, नेबू, एंड फोर्थ इश्तर, फिफ्थ अलाटा एंड गुले। गुले जो है वो जहर के असर को दूर किया करने में माहिर थे। बाबिल के अतिब्बा, बाबिल के अतिब्बा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट बेरू जो रोज़ाना इलाज में माहिर थे, सेकंड अशिपू जो जादू से इलाज किया करते थे, थर्ड अजू जो सही में तबीब थे जो दवाओं से इलाज किया करते थे। बाबली तिब में तरीक़ाए तशखीस, तशखीस का मतलब होता है डायग्नोज। यहाँ डायग्नोज करने के दो तरीके थे। फर्स्ट वो पानी में तेल को डाला करते थे, अगर तेल पानी में रिंग बना लिया करता था तो समझते थे ये मर्ज काबिले इलाज है, अगर वो तेल पानी पर फैल जाया करता था तो वो शिफा की उम्मीद कम होती थी। सेकंड वो डायग्नोस के लिए यूज़ करते थे मेथड फायर मतलब आग जलाते थे, अगर उसका लाल रंग होता था तो अच्छी अलामत वो मानते थे, अगर उसका जर्द मीन्स येलो रंग होता था तो वो बुरी अलामत समझी जाती थी, और उस वक्त थूक पेशाब पखाने वगैरह के रंग से भी डायग्नोस किया जाता था। बाबली तिब में तरीक़ाए इलाज, इलाज के लिए मरीज सेहत के देवी देवताओं की पूजा किया करता था, तबीब जादू टोने टोटके से इलाज किया करते थे, और वहाँ पर यह अकीदा भी था कि बदरू मीन्स गोश्त खून पीने के लिए लीवर में घुसकर बैठ जाते हैं, इसलिए मरीज़ के लीवर में छेद किया जाता था बदरूह को निकालने के लिए, और पागलपन के मरीज के लिए उसके सर पर छेद किया जाता था। अगर इनमें से कोई मरीज़ बादशाह या वज़ीर होता तो उनके नाम पर जानवरों का सदका किया जाता था। वहाँ के तबीब दवाओं से भी इलाज किया करते थे, और उस वक्त वो 100 से ज़्यादा अदवियाओं के बारे में जानते थे, और सांप के काटने पर वो जंगली जड़ मीन्स वाइल्ड रूट का इस्तेमाल किया करते थे। शहंशाह हामुराबी, शहंशाह हामुराबी ने अपने ज़माने में कुछ कवानीन बनवाए थे तबीबों से मुताल्लिक, जैसे फर्स्ट अगर किसी तबीब ने ऑपरेशन के ज़रिए किसी मरीज़ को ठीक किया तो उसको 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे, लेकिन ठीक होने वाला मरीज़ अगर ग़ुलाम हुआ तो उसको 2 चांदी के सिक्के मिलेंगे। सेकंड ऑपरेशन करते वक्त अगर मरीज़ की मौत हो गई तो तबीब के हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन मरने वाला इंसान ग़ुलाम हुआ तो उसको मालिक को दूसरा ग़ुलाम लाकर देना होगा। थर्ड आज़ा या हड्डी का मर्ज ठीक करने पर तबीब को 5 चांदी के सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर वो आज़ाद ग़ुलाम हुआ तो उसको 3 चांदी के सिक्के, अगर वो ग़ुलाम हुआ तो उसको 2 चांदी के सिक्के मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।